लोकसभा चुनाव 2023 के लिए भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आज जारी हो गया है। बड़ा ऐलान करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगर बीजेपी तेलंगाना में सत्ता में आई तो समान नागरिक संहिता लागू करेगी। चुनावी घोषणा पत्र में भाजपा ने लोक लुभावन वादे भी किए हैं। दक्षिण भारतीय प्रदेश तेलंगाना में पैर जमाने की जद्दोजहद में जुटी भाजपा ने विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने कहा है कि बीजेपी को बहुमत मिलने के बाद तेलंगाना में उज्ज्वला लाभार्थियों को प्रति वर्ष 4 मुफ्त LPG सिलेंडर दिए जाएंगे। लाभार्थियों के लिए कई और वादे के साथ साथ भाजपा ने सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति को भी कटघरे में ले लिया। भाजपा के घोषणा पत्र में कहा गया है कि BRS सरकार के कथित भ्रष्टाचार की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति नियुक्त भी की जाएगी। आपको बता दें कि चुनावी रैलियों में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और उनकी पार्टी पर जमकर निशाना साधने वाली बीजेपी ने बड़े पैमाने पर आर्थिक घोटाले के आरोप लगाए हैं। हालांकि KCR ने भाजपा के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में भाजपा का कोई जनाधार नहीं है। सीएम केसीआर के बेटे KT रामा राव ने भी कहा है कि भाजपा बेबुनियाद आरोप लगा रही है। BRS के भ्रष्टाचार और KCR की कमीशन खोरी को तेलंगाना की जनता जल्द उखाड़ कर फेंक देने वाली है। मित्रों, KCR ने वादा खिलाफी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। नालगोंडा की जनता का शोषण करने का काम KCR ने किया है। मित्रों, BRS ने सिवन्ना गुंडम सिंचाई परियोजना, ब्राह्मण वेल्लमल्ला उदय समुद्रम जैसी कई परियोजनाओं को पूरा न करने का काम KCR की सरकार ने किया है। केंद्र की मोदी सरकार ने नालगोंडा नगर पालिका को स्मार्ट सिटी योजना के तहत 400 करोड़ रुपया दिया, वो KCR की भ्रष्टाचार में भेंट चढ़ गया, कोई काम नहीं हुआ।